नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रोटाविरिन के बारे में। ड्रोटाविरिन एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। इसके यूज क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चाइल्ड में इसकी क्या डोज है, एडल्ट में इसकी क्या डोज हो सकती है, किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल है, और ऐसे कौन व्यक्ति है जो ड्रोटाविरिन ड्रग का यूज नहीं ले सकते, सभी प्रकार की जो जानकारी है ड्रोटाविरिन के बारे में आज इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अभी तक आप अगर चैनल में नए हैं और आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, जिससे ड्रोटाविरिन की जानकारी आपको पूरी तरह से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके यूज के बारे में। ड्रोटाविरिन के जो यूज हैं वो पेट में मरोड़ में यूज कर सकते हैं। अगर किसी महिला के गर्भाशय में एंटन की वजह से पेट में दर्द है तब भी इस दवा का यूज ले सकते हैं। महिलाओं में पीरियड के दौरान पेट में दर्द हो रहा है तब भी इस दवा का यूज ले सकते हैं। देखिए, ड्रोटाविरिन एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। जब भी अगर स्मूथ मसल्स में स्पास्म होते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए ड्रोटाविरिन ड्रग का यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो ड्रोटाविरिन के इंजेक्शन भी लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के गाल ब्लैडर में स्टोन की वजह से दर्द है तब भी इस दवा का यूज ले सकते हैं। सभी कुछ मिला के ड्रोटाविरिन का जो यूज है वो स्मूथ मसल्स के रिलैक्स करने में इसका यूज लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, ड्रोटाविरिन है वो टेबलेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन सभी फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसकी टेबलेट के बारे में बात करूँ तो ड्रोटाविरिन की जो टेबलेट है वो फिल्म कोटेड टेबलेट आती है। इसकी टेबलेट को तोड़ना नहीं चाहिए, चबाना नहीं चाहिए, सीधा पानी के साथ ही निगलना चाहिए, जिससे ये आंतों में जाके एब्जॉर्ब हो सके और अच्छा रिजल्ट दे सके। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे ड्रोटिन है, डोटारिन है, डोविरिन है, ड्रोटाकाइंड है, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। ड्रोटाविरिन काम कैसे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो जब हम ड्रोटाविरिन को लेते हैं तो ये PDE4 को इनहिबिट कर देता है, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाती है और अगर किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है तो उसमें भी आराम आ जाता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। अब जान लेते हैं आगे इसके कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे एकदम से तेज सर में दर्द हो सकता है, चक्कर जैसा लग सकता है, ड्रोविनेस हो सकती है, चेहरा लाल हो सकता है। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको दिखे तो इसका यूज उसी वक्त पे रोक देना चाहिए। अब आगे जान लेते हैं किन किन व्यक्तियों को ड्रोटाविरिन का यूज नहीं लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों को हार्ट से संबंधित कोई समस्या है या जिन व्यक्तियों की BP लो रहती है उसमें भी ड्रोटाविरिन का यूज नहीं कर सकते। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। ड्रोटाविरिन की जो डोज है वो चाइल्ड में 1 से 6 साल तक के बच्चों में 10 से 20 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं और 6 से 12 साल के बच्चों में 20 से 40 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं और 12 से जो ऊपर के बच्चे हैं जो एडल्ट है उसमें 40 mg से 80 mg की टेबलेट दिन में सुबह शाम दे सकते हैं। ये इसकी डोज के बारे में हो गया। अब जान लेते हैं इसका हाफ टाइम क्या है। ड्रोटाविरिन की जो हाफ टाइम है वो 5 से 10 घंटे के इसका हाफ टाइम है। ये इंटेक करने के 5 से 10 घंटे तक अपना असर रखती है। ये मैंने आपको ड्रोटाविरिन के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।